गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिसको वर्क एंड टाइम अच्छे से आ जाता है उसको पानी टंकी भी आने लगता है, क्योंकि एकदम मिलता जुलता चैप्टर है ये। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग तीन तरीके से लगाएंगे, एक बेसिक तरीका लगाएंगे, फिर उसके बाद दो ट्रिक आपको बताया जाएगा। पहला तरीका देखिए, अगर कभी डिस्क्रिप्टिव आएगा तो जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको लगाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। या अभी आपका जो टेट का मेंस होगा, शिक्षा मित्र जो BTC वाले देंगे, जो तरीका बताने जा रहे हैं उसी तरीके से उनको लगाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए किसी काम को करता है यहाँ पर लिखा हुआ है 20 दिन, तो यहाँ 20 दिन लिख दिया गया। उसके बाद बी उसी काम को करता है बराबर 30 दिन। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/20, बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/30। ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/20 और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/30, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A+B के द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर, देखो A+B किया गया यानी जोड़ा गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1/20 + 1/30। और यहाँ पर 20 और 30 का लाशा क्या होता है, 60। 20 + 60 30 × 60 कितना हो जाएगा, 5/60। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/12। इसका मतलब क्या हुआ कि A+B के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/12 भाग, एक दिन में अगर 1/12 भाग करते हैं तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन लगेगा पूरा काम, क्योंकि 12 से गुणा कर देंगे तो A+B के द्वारा 12 दिन में किया गया काम, 12/12 का मतलब एक भाग का मतलब पूरा काम हो जाता है। तो therefore A+B मिलकर पूरा काम करेंगे बराबर 12 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक तरीका है। उसके बाद हम लोग फार्मूला बेस इसको पढ़ेंगे। यहाँ फार्मूला बेस क्या है, XY/X+Y। एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, 20, और वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 30 का मतलब क्या हो गया, 50। 0 से 0 कैंसिल कर दिया गया, 5 + 20 = 12 दिन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। अब फिर ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक है, ये फार्मूला बेस्ड ट्रिक है। और एक दूसरा ट्रिक आपको बताया जा रहा है, बिना किसी फार्मूले के पूरे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को जो तरीका ये बताने जा रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे और इसी तरीके से ख़त्म भी कर देंगे। पूरे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को एक ही तरीके से लगाया जाएगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से लगा के आपको दिखाएंगे। वो तरीका क्या है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में,
तो दोनों मिलकर यानी दोनों का लासा कितना हो जाएगा 60। और उसके बाद देखिए 60 बटे 20 बराबर क्या हो जाएगा 3, 60 बटे 30 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया कार्य क्षमता इन दोनों की, किसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है ए की। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों मिलकर उस काम को जो करेंगे यानी ए प्लस बी मिलकर करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो 60 और 3 2 5, 60 बटे 5 का मतलब क्या आ जाएगा 12, यानी क्या हो जाएगा उत्तर 12 दिन। यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है एग्जाम। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो एक ही क्वेश्चन को हम लोगों ने तीन तरीके से पढ़ा है, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।